ये तस्वीरें बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के भवन की हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गौमूत्र और गंगाजल लेकर विधानसभा भवन का शुद्धिकरण करा रहे हैं। तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब कर्नाटक की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार समेत तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है। तस्वीर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा परिसर में गंगाजल और गौमूत्र छिड़क कर इसे शुद्ध कराने की बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो तमाम लोगों ने इसकी तुलना सीएम योगी की उन तस्वीरों से कर डाली जब उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण कराया था। लोगों ने योगी आदित्यनाथ के उस वक्त की तस्वीरों को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने अपने घर को भी गंगाजल से धुलवाया था, जिस पर बाद में खूब सियासत हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पिछड़ों का अपमान है, मैं उस घर में रहा हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका शुद्धिकरण करा कर ये बताया है कि वो पिछड़ों से कितने खफा और उन्हें कितना छोटा समझते हैं। अब कर्नाटक में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही शुद्धिकरण कराया है। इससे पहले जनवरी महीने में डीके शिवकुमार ने अपनी एक सभा के दौरान कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो विधानसभा भवन का शुद्धिकरण कराया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने यहां पर रहकर खूब भ्रष्टाचार किया है, जिससे विधानसभा अपवित्र हो गई है। डीके शिवकुमार ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार बनने के बाद विधानसभा का शुद्धिकरण होगा, इसके बाद ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहां पर विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद डीके शिवकुमार जब विधानसभा भवन पहुंचे तो यहां की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद विधानसभा भवन के अंदर दाखिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद विधानसभा भवन का शुद्धिकरण शुरू कराया, जिसके लिए तमाम ब्राह्मणों को भी यहां पर बुलाया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों तस्वीरों को लोगों ने यह कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही एजेंडे की पार्टियां बन गई हैं। जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण कराने की बात कही, उसी एजेंडे पर कांग्रेस है। लोगों ने कहा है कि यह सब हिंदुत्व वोटर्स को साधने के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने यह कहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात ठीक है, विधानसभा भवन तो संविधान का भवन होता है, उसके शुद्धिकरण या अशुद्धिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। विधानसभा भवन में जनता की अपेक्षाओं और उसके मुद्दों पर काम होना चाहिए। शुद्धिकरण करना या ना करना राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मान्यताओं की बात है, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।